अम्बाला में रहा 3 साल। अम्बाला के बाद एनवीटी प्रिंट में आया, वहाँ से इंडिया टुडे का सफर हुआ, इंडिया टुडे से सफर जी मीडिया में हुआ। तो ये तकरीबन 13 साल की जर्नी है। खाना बनाने का खूब सारा जो काम है मैंने वो इसी इंडिया टुडे की फूड वेबसाइट है वहाँ सीखा। वहाँ से फिर निकाले गए, कहीं और नहीं हो रहा तब फिर परिवार भी देखना है, बेटी को भी देखना था। तो हमने बोला कि यार कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो हाथों हाथों एक हाथ से ये दो और अगले हाथ से पैसा दो। मैं सोया नहीं था, जिस रात लगाना था उसके पहले सोया नहीं था। 2:30 बजे तक मन में चल रहा था कि लोग क्या सोचेंगे। कई लोग आए, मायूस भी हुए कि सर आपको ऐसी हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो सफर शुरू किया है, जज्बाए बदस्तूर नहीं हुए हैं, खुद को मिटा लिया है तब मशहूर हुए हैं। एक पत्रकार के अंदर से पत्रकारिता कैसे आप खत्म कर लेंगे, हम सोशल मीडिया में आएंगे अपनी बात कहेंगे, उसके लिए बड़े संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 रुपए में लोग दे ही रहे हैं, जलेबी के साथ आप 50, जलेबी के साथ में 50 रुपए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज तक आपने मीडिया के नाम पर लाइट कैमरा और कैमरे के आगे एक सुंदर सी एंकर को खबर पढ़ते देखा होगा, रिपोर्टर्स को ऑन स्क्रीन बोलते देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई से आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। आखिर जिन हाथों में कलम हुआ करती थी उन हाथों ने कड़ची कैसे पकड़ ली, कलम से कड़ची तक के सफर को आज हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। आखिरकार एक पत्रकार कैसे बन गया पत्रकार पोहा वाला, इस सफर को दिखाने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उसी पत्रकार पोहे वाले पर। इस वक्त हम लोग फिल्म सिटी में मौजूद है जो कि नोएडा में है, और मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो मीडिया मॉन्क का ऑफिस है, और उसी की अपोजिट साइड पर एक छोटा सा स्टॉल है, जिस स्टॉल का फ्रंट अगर देखेंगे तो उसी के ऊपर लिखा है पत्रकार पोहे वाला, और मेन्यू में भी लिखा है एडिटर स्पेशल पोहा, रिपोर्टर स्पेशल पोहा। आखिरकार पत्रकार की जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची आपको आज उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ददन विश्वकर्मा है। ददन विश्वकर्मा, आप ददन इंदौरी भी कह सकते हैं। ददन इंदौरी, यानी कि आप इंदौर के रहने वाले हैं? जी, इंदौर का रहने वाला हूँ। सर एक पत्रकार हैं आप जी, और अब एक पत्रकार पोहा वाला। हाँ, क्या कुछ बताएंगे पत्रकार से लेकर पत्रकार पोहे वाले तक का सफर? यह कि पत्रकारिता करनी थी, जुनून था, तो उसके लिए पता किया कि कहाँ से बढ़िया पत्रकारिता जो होती है पढ़ाई वो किया जाए, तो पता चला कि IIMC है। उसके पहले माखनलाल से 1 साल का PGDCA मैंने कर चुका हूँ। वहाँ से IIMC पहुँचे, पास आउट हुए, पहली नौकरी 5,500-6,000 के बीच की थी, तो इंदौर चले गए। इंदौर में 6.5 महीने काम किया, वहाँ से मन थोड़ा सा हुआ कि कहीं और कुछ किया जाए। दिल्ली आ गए, मिल नहीं रही थी उस टाइम शायद जॉब। अम्बाला में रहा 3 साल, 3.5 साल अम्बाला में। अम्बाला के बाद NVT प्रिंट में आया, वहाँ से इंडिया टुडे का सफर हुआ, इंडिया टुडे से सफर जी मीडिया में हुआ। तो ये तकरीबन 13 साल की जर्नी है। क्योंकि इसी दौरान मैं अपना कुछ कुछ बना के डालते रहता था फेसबुक पे और पेज पे, कुछ अच्छा कभी ये बना लिया, कभी दोस्तों को बुला लिया, दावत दे दी, तो एक शौक था लोगों को खिलाने पिलाने का। तो वो शौक देख कर इंडिया टुडे में जो हमारे एडिटर हुआ करते थे सुरेश कुमार, उन्होंने बुलाया, कमलेश किशोर सिंह है, उन्होंने बुलाया कि यार फूड वेबसाइट है उसको चला लोगे क्या? तो हम बोले सर मौका देंगे तो सब चल जाएगा। तो वो फूड वेबसाइट बहुत छोटे स्तर से ही उसको शुरू किया। खाना बनाने का खूब सारा जो काम है मैंने वो इसी इंडिया टुडे की फूड वेबसाइट है वहाँ सीखा। फिर होता है कि लगता है यार करियर में एक ठहराव सा आ रहा है, कुछ और नया किया जाए, अपने आप को और आजमाया जाए, तो न्यूज़ में चले गए। जी न्यूज़ में चले गए, वहाँ 3.5 साल हाइपर लोकल जो है MPCG UP उत्तराखंड, और यहाँ पर बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर तक का सफर जो मेरा एक ट्रेनी सब एडिटर से शुरू हुआ था वो पहुंचा। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आपको फिर आपको फैसला लेना पड़ता है, मजबूर भी किया गया, या कह लीजिए कि कुछ संस्थानिक चीज़ें हैं। तो वहां से फिर निकाले गए, कहीं और नहीं हो रहा तब फिर माइंड में चलने लगा कि यार कुछ करना चाहिए या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी तो आपको घर परिवार आपको चलाना है ना। कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आई घर पे, तो वो उसके लिए फिर हमने सोचा कि यार अब इससे तो नहीं हो पाएगा, परिवार भी देखना है, बेटी को भी देखना था। तो हमने बोला कि यार कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो हाथों हाथों एक हाथ से ये दो और अगले हाथ से पैसा दो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के हाथ ऐसे मैंने हाथ फैला के नौकरी मांगी, अब नौकरी मिली नहीं या मजबूरी थी जो भी थी नहीं मिली, तो हमने सोचा कि अब
कुछ खिलाया जाए फैला के हाथ कि ये लीजिए हाथ है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ अपना वेंचर शुरू किया जाएगा। पोहा का दिमाग बहुत पहले साफ था कि पोहा ही खोला जाएगा और जलेबी दी जाएगी, क्योंकि इंदौर में पोहा और जलेबी का चलन है, यहाँ चलन है, दिल्ली और कहीं भी पोहा और जलेबी का चलन नहीं है, और ये हमारे प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, इंदौर की ये सबसे पहली पहचान है पोहा जलेबी। वही लेके आया और इसमें कुछ वैरायटी रखी, नाम इसलिए रखा कि चूंकि पत्रकार रहे हैं, अभी भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता छोड़ी नहीं है, थोड़ा सा कह लीजिए कि ब्रेक लिया हुआ है, अच्छा कुछ चलने लगेगा तो अपन पत्रकारिता वापस करना शुरू कर देंगे। तो ये सफर है यहाँ तक का। अब नाम को लेके समझ लीजिए कि नाम ये है कि पत्रकार पोहा वाला क्यों रखा, तो अपन कोई फर्जी पत्रकार तो रहे नहीं, पत्रकार हैं, ठीक ठाक संस्थानों में काम किया है, अच्छे संस्थान से पास आउट हुए हैं। जब हमारे पीएम साहब खुद को चाय वाला बता के और प्रसिद्धि बटोर सकते हैं, एक हमारे भाई साहब एमबीए वाले हैं, वो एमबीए नहीं है लेकिन उन्होंने नाम रखा एमबीए वाला, बीटेक वाली हैं, उन्होंने चाय की टपरी खोली, उनका नाम बीटेक चाय वाली रखा। तो मैंने सोचा कि यार जब ये लोग सब रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। किसी पत्रकार बिरादरी को कोई चिढ़ाने के लिए, कोई ऐसा करने के लिए नाम मैंने नहीं रखा है, मैं हूँ पत्रकार। सबसे पहले आपकी सोशल मीडिया पे सबसे पहले ये पोस्ट वायरल हो रहा था, आपने डाला था। एक पोस्ट लिखा मन में जो चल रहा था, वो बहुत आपने जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ में फिर मैंने पोस्ट डाली। और अच्छा, वो पोस्ट में मैं खुद नहीं हूँ, मैं अंदर ऐसे था और मैंने अपने ये जो फादर इन लॉ है, मैंने उनसे कहा कि आप एक फोटो खींच दीजिए, इत्तला कर दिया जाए मीडिया जगत में, मीडिया के लोगों को कि भैया अपन अब नए प्रोफेशन में आ गए हैं, अब कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये इत्तला की एक पोस्ट लिखा कि अब इसे स्टार्टअप कहिए या रोजगार का साधन कहिए या आपको जो भी लगे वो कहिए, पता मैंने दे दिया कि पता है ये, तो अब इसको जो कहना हो कह लीजिए, तो हो गया अब ये। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए जिस रात को ये पोस्ट डलवाया आपने, उससे पहले की बात करें, मन में बहुत सी सवाल चल रहे होंगे कि मैं एक पत्रकार हूँ, स्टॉल कैसे लगा सकता हूँ, लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी, शायद लोग कहेंगे भाई तो उसमें काम करता था, ये करता था, आज इस स्टॉल पे, मतलब बहुत तरीके के सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, और एकदम से आपने पोस्ट डाली, लोगों का समर्थन भी बहुत मिला। पोस्ट डालने में कोई हिचक महसूस नहीं हुई, हालांकि उससे पहले 45 दिन तक कंटिन्यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फिल्म सिटी रोज आता था, यहाँ बैठता था। अच्छा। यहाँ ललन चाय वाला है, मैं यहाँ बैठता था और देखता था कि यार अगर मैं यहाँ ऐसे खड़े होऊंगा तो मेरे जो कलीग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो निकलेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, मेरे पुराने वाले जो संस्थान से लोग निकलेंगे वो क्या कहेंगे, है ना। तो अब ये सब चीजें आपके आप लग तो रही हैं, और कोई ऐसा छोटा मोटा तो उसमें नहीं रहा कि मुझे पता नहीं हो, या मैं जिस पोस्ट से निकला हूँ मैंने बहुत अच्छे अच्छे अपने जो जूनियर है उनको सिखाया है कि कैसे क्या पत्रकारिता है, क्या खबर लिखनी चाहिए, कैसे क्या है, तो उनका भी वो था कि यार वो क्या सोचेंगे। कई लोग आए मायूस भी हुए कि सर आपको ऐसी हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो सफर शुरू किया है, जज्बाए बदस्तूर नहीं हुए हैं, खुद को मिटा लिया है तब मशहूर हुए हैं। मायूसी भरे शब्दों में मैंने ये शेर कहा उसको, और उसने कुछ और भी लिखा। इस जगह में जहाँ मैं हूँ वो सब मेरे पत्रकार बिरादरी के, मेरे छोटे बड़े सब हैं, उनको हेल्दी रखने का एक तरह से जिम्मा समझ लीजिए वो है, तो इसलिए मैंने पोहा और इडली वड़ा, डोसा और ये सांभर वड़ा वगैरह का फिर मेरे कॉन्सेप्ट आया कि ये करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आपके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, और पहला दिन जब पोस्ट आया पूरे सोशल मीडिया पर पत्रकार पोहे वाला पत्रकार, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा थी जानने के लिए कि आखिरकार ये है कौन पत्रकार पोहे वाला। और अब इन दिनों में सफर की बात करें तो क्या लगता है, गाड़ी अच्छी चलने वाली है, कैसा काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल क्लियर कट है, मैं कोई नॉर्मल पोहा और ऐसा कुछ दे नहीं रहा हूँ, मेरे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है, इंदौर से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं उनको इंदौर का पोहा दे रहा हूँ विद जलेबी के साथ में। चाहता तो कुछ और भी खोल लेता, लेकिन जिद थी कि कुछ अच्छा देना है जो हेल्दी होगा। मैंने कोई ये 3-4 दिन या 5 दिन के लिए मैंने ये स्टॉल नहीं लगाया है, लॉन्ग टाइम का सोच समझ के ही लगाया हुआ है, तो अब आगे जाके इसे बड़ा करना है। उम्मीद तो यही है कि सब लोगों का सहयोग होगा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत 5 लोग आ चुके हैं कि हमको फ्रेंचाइजी दे दीजिए। अच्छा, तो एक तरह से मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वो है, साइन है। सब आइटम जो है अपने इंदौर से अपन मंगाते हैं, कोई लाग लपेट नहीं है कि अपन फर्जी कहीं भी यो कर रहे हैं। आप मेरे मसाले देख लीजिए, सब मैं इंदौर से मंगवाता हूँ, सब कुछ आपका इंदौर, सब इंदौर मसाले वगैरह सब इंदौर से, जो इंदौर वाली आइटम है वो इंदौर से मंगवाता हूँ, और जो यहाँ की आइटम है
जैसे अनार आप और नींबू वगैरह सब तो आप तो यहीं खरीदेंगे ना, थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, लेकिन एक जुनून है कि लोगों को अच्छा देना है और नाम है कि फिर अच्छा देना है तो अच्छा देंगे। लेकिन पत्रकारिता जागती रहेगी, पत्रकारिता जागती रहेगी। अभी देखिए 6 महीने में चुनाव के पहले अपन कुछ कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। कि अभी एक शेर है कि ले गए नोच नोच कर वो मुझको, जिसको जितनी मेरी जरूरत थी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। तो ये सुना आपने पत्रकार पोहे वाले को, जिनका नाम ददन इंदौरी है, और आप देख सकते हैं इनका प्यारा सा छोटा सा स्टॉल है। सपने इनके बहुत बड़े हैं, इसे या आप मजबूरी समझ लीजिए, या इनका पैशन समझ लीजिए, या फिर इनका काम समझ लीजिए, जो आपका मन करे वो समझ लीजिए। लेकिन एक ये इनका स्टार्टअप है, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि सपने इनके बड़े हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर लगातार जो है अलग अलग जगह से इनको कॉल आने लग गए हैं, फ्रेंचाइजी के लिए कॉल आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कर भी जाएंगे, क्योंकि जनता का जो समर्थन है सोशल मीडिया पर भी बहुत भारी मिल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और पत्रकार पोहा वाला जिसका नाम ददन इंदौरी है, उनसे बातचीत करके आपको कैसा लगा, इनकी पूरी कहानी सुनके, पत्रकार से पत्रकार पोहे वाले तक का सफर सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलकू दिल्ली।